यार गाइज, मैं आज आपको पांच ऐसी गेम्स बताऊंगा जो कि बिल्कुल GTA 5 की तरह हैं और आप इनको लो एंड पीसी पे जरूर एंजॉय कर सकते हो। और यार, जिनके पास हाई एंड गेमिंग पीसी भी है, मैं उन्हें भी रिकमेंड करता हूं कि इन गेम्स को तो आप जरूर से खेलें। मैंने गाइज एक हाई एंड गेमिंग पीसी के लिए भी टॉप 5 ऐसी गेम्स बताई थी जो कि बिल्कुल GTA 5 की तरह हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, उनको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा और आई बटन पे मिल जाएगा। तो गाइज, जो सबसे पहली गेम हमारी लिस्ट पे है, उस गेम का नाम है द इटालियन जॉब। अब गाइज, जो द इटालियन जॉब है, ये एक मूवी पे बेस्ड है जो कि 1969 पे थी। मजे की बात यह है कि यार, इस गेम का जो नाम है वही इसकी मूवी का नाम भी था। और इस गेम के जो पब्लिशर्स हैं, उनमें से एक रॉकस्टार गेम्स भी है और स्क्वायर इनिक्स भी है। मतलब गाइस, दो बड़ी बड़ी कंपनियां इस गेम के पब्लिशर्स भी हैं। इस गेम को आप जरूर से ट्राई करो अपने पीसी पे और मुझे उम्मीद है कि आपको ये गेम बहुत पसंद आएगी। सो गाइज, यार एक सुपर हीरो गेम भी है लिस्ट में जिसका नाम है अमेजिंग स्पाइडरमैन 2। अब गाइज, आप सोच रहे होगे कि यार, स्पाइडरमैन गेम्स तो सिर्फ PS4 पे ही आती हैं। ऐसा नहीं है यार, द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 और 2 अभी कंप्यूटर्स पे भी हैं, आप इसको खेल सकते हो। और मजे की बात यह है कि ये लो एंड पीसीज के लिए हैं। गाइज, ये जो गेम है यार, ये काफी ज्यादा कूल गेम है। इसके अंदर आपको बॉस फाइट्स देखने को मिल जाती हैं जो कि बहुत ज्यादा मजे की होती हैं, और ओपन वर्ल्ड भी आपको मिल जाता है बिल्कुल GTA 5 की तरह, और ग्राफिक्स भी इसके काफी ज्यादा अच्छे हैं। अगर गाइज आपके कंप्यूटर पे अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 नहीं चलती तो 1 तो जरूर चलेगी। तो गाइज, यहाँ पे आपको दो दो गेम्स मिल रही हैं, तो मैं कह रहा हूँ गाइज, आप इसको 1x1 करके खेलो। ये जो गेम है ना, ये एक्शन से काफी ज्यादा भरी हुई है जिसका नाम है मैड मैक्स। अब गाइज, जो मैड मैक्स है, एक ओपन वर्ल्ड गेम है बिल्कुल GTA 5 की तरह, लेकिन गाइज, जो इसके ग्राफिक्स और विजुअल्स है ना यार, मैं कहता हूँ बहुत कमाल है। आपको एक बार ये जरूर से खेल लेनी चाहिए। इसके अंदर आपको गाड़ियां शाड़ियां काफी ज्यादा धमाल देखने को मिलने वाला है इस गेम के अंदर। इस गेम की अगर रिलीज डेट के बारे में बात करें तो वो 2015 की है। बेस्ट ओपन वर्ल्ड गेम्स की बात करें और बीच में यूबीसॉफ्ट की कोई गेम का नाम ना आए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो गाइज, अब जिस गेम के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, वो काफी ज्यादा मशहूर है और उसकी जो सीरीज है वो आज तक काफी ज्यादा मशहूर है और बहुत अच्छे ग्राफिक्स आज तक वो हमको देती आई है। गाइज, जिस गेम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उस गेम का नाम है फार क्राई 2, जिसको आपको एक बारी तो जरूर से खेल लेना चाहिए। फार क्राई 2 के अंदर गाइज, आपको स्टेल्थ भी कर सकते हो और आप मतलब एग्रेसिव अप्रोच के साथ भी दुश्मनों पर हमला कर सकते हो, लेकिन गाइज, आपको इसके एक मैकेनिक से काफी ज्यादा उलझन हो सकती है, जिस मैकेनिक को मैं कह सकता हूँ हीलिंग मैकेनिक। हीलिंग मैकेनिक इस गेम का कुछ इस तरह का है कि बस क्या ही बताऊँ, आप देख ही सकते हो। आप गाइज फार क्राई 2 का एक और पार्ट भी खेल सकते हो जिसका नाम फार क्राई 3 है। अगर गाइज आपका पीसी इजाजत दे तो आप फार क्राई 3 को भी जरूर से ट्राई करना, क्योंकि वो गेम जो है ना, वो यूबीसॉफ्ट की मोस्ट सेलिंग गेम्स में से एक है और उसकी स्टोरी मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा अच्छी है और ग्राफिक्स अच्छे हैं ही। लास्ट गेम जो हमारी लिस्ट में है, उस गेम का नाम है बैटमैन आर्कम। अब गाइज, ये भी एक सुपर हीरो गेम ही है, लेकिन गाइज ये गेम भी एक ओपन वर्ल्ड गेम है और इसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है पजल्स देखने को मिल जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर भी देखने को मिल जाता है और धमाल तो देखने को मिल ही रहा है आपको सारी ओपन वर्ल्ड गेम्स के अंदर। गाइज, अभी जो इसकी लेटेस्ट गेम आई थी बैटमैन आर्कम नाइट, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और उसको मैंने खेला था। तो गाइज, आप आर्कम सीरीज पे पूरा यकीन कर सकते हो और इसको एक ट्राई ज़रूर दे सकते हो। और इसको जो डेवलप किया है, वो भी एक काफी ज्यादा अच्छी कंपनी ने डेवलप किया है जिसका नाम है रॉकस्टेडी स्टूडियोज। जो लोग अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए एक बोनस गेम भी मैं ऐड कर रहा हूँ जो है स्लीपिंग डॉग्स। अब गाइस, स्लीपिंग डॉग्स को देख के लगता है कि यार, पता नहीं कितना हैवी गेमिंग पीसी चाहिए इसको चलाने के लिए, लेकिन गाइस बिल्कुल भी ऐसा कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काफी ज्यादा लो एंड पीसीज पे भी चल जाती है। और गाइस, इस गेम का जो सबसे ज्यादा इसकी स्पेशलिटी है ना, वो है इसका फाइटिंग कॉम्बैट। गाइस, मैं कहता हूँ वन ऑफ द बेस्ट है और काफी ज्यादा अच्छे इसके अंदर आपको फाइटिंग मूव देखने को मिल जाते। इसको एक बारी तो जरूर से खेलो और आपके ये पीसी पे चलेगी ना, तो आप कहोगे यार, ऐसी गेम हमारे कंप्यूटर पे कैसे चल गई यार। तो गाइज, यही थी आज की वीडियो। अगर तो गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो। इस टाइम गेमर एक्सोसिटी यूट्यूब चैनल के 698 सब्सक्राइबर्स हैं। गाइज, प्लीज सब्सक्राइब करो और 700 सब्सक्राइबर्स का ये माइलस्टोन पूरा करवा दो। जनवरी का ये गोल था, प्लीज इसको पूरा करवा दो। गाइज, मैं मिलता हूं आपको अपनी अगली वीडियो के अंदर। सो गाइज, गुड बाय, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज। Person, shouldn't wear a bell around your neck, you wanna get slept, fool.